और सीधी तस्वीर अब आपको जेईसी से दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुने। आज के इस इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर, इस अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पर मंच पर विराजमान पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री नगर विकास स्वायत्त शासन विभाग श्री जावर सिंह जी खर्रा साहब, माननीय मंत्री पर्यावरण एवं जलवायु विभाग राजस्थान श्री संजय शर्मा जी, विशिष्ट सचिव पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार श्री तन्मय कुमार जी, अतिरिक्त सचिव पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग भारत सरकार नरेश गंगवाल जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन श्रीमती अर्पणा अरोड़ा जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी हमारे जिनको कि पुरस्कार दिया है इसे नगर निकाय के अध्यक्ष उनके अधिकारी सभी मेरे इस कार्यक्रम में आए भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी की कृपा हम सब आप पर बनी रहे इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज इस वर्ष का स्वच्छ वायु दिवस जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को जो भी आपने वो क्लिप देखी संबोधन में सुना, 100 से अधिक शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार का आह्वान किया था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 131 शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और हमें इस बात की खुशी है कि सभी जगह इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है। रोसी क्षेत्र में आज आपने देखा है कई शहरों ने अच्छी ग्रेटिंग लेकर के आज उनको सम्मान करने का भी काम किया है, और जैसा कि माननीय भूपेंद्र जी सब कह रहे थे कि उनको तो मिला है लेकिन आगे कुछ मिलने वाला भी है, वो भी ध्यान रखें क्योंकि उनका भी शहर इसमें आ सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के पर्यावरण और स्वच्छता को लेकर बहुत गंभीर हैं। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जहां वे देश भर में स्वच्छता के लिए देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं, तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से देश में वृक्षारोपण का आंदोलन खड़ा करने का काम भी उन्होंने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा कर हमने भी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की, और हमने कहा था कि इस वर्ष हम 7 करोड़ पौधे लगाएंगे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सभी मंत्रालय और हमारे पर्यावरण मंत्री भाई संजय जी को कि उन्होंने वो लक्ष्य पूरा कर किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे जो हमने लक्ष्य लिया है वो 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लिया है, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 5 सालों में 4,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का भी हमने सोचा है। राज्य में किए गए पौधारोपण में धूल मिट्टी के उत्सर्जन में कमी होगी एवं वायु प्रदूषण के स्तर पर निश्चित तौर पर कमी आएगी। मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए स्वच्छ हवा का बड़ा महत्व है। आज वायु प्रदूषण दुनिया भर में एक विकट समस्या भी है जिसने मानव स्वास्थ्य के प्रति प्रभाव पर्यावरण का प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मैं
छोटी छोटी दो तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि हम प्रदूषण करने से पहले हमें सोचना चाहिए क्या, क्योंकि हम ये सभी की जिम्मेदारी है। कभी हम ये सोचते हैं, मन में ये सवाल आता है क्या कि मेरे घर में एक गाड़ी है, दो गाड़ी है, तीन गाड़ी है, आखिर वो कितना प्रदूषण करेंगे। उस परिप्रेक्ष्य में सोचते हुए हमें यह भी ध्यान रखना है कि जितना हम प्रदूषण हमारी गाड़ी के द्वारा होता है, उस प्रदूषण को बचाने के लिए हम कहीं वृक्षारोपण करते हैं क्या, हमको ये कदम उठाना चाहिए क्या। देखिए, एक है कि धरती माँ हमें देती सब कुछ, धरती माँ हमें देती सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, क्योंकि प्रकृति हमको सब कुछ सिखाती है और इस प्रकृति के अंदर सब कुछ है। और हमारे शास्त्रों में, हमारे समाज में, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, क्योंकि हम नदियों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं, उसके पीछे हेतु है। अगर जब हम उनको पूजते हैं तो हमारे मन में क्या सवाल आता है, क्या हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते समय हमें यह सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं कहने में, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि घर में एसी लगा हुआ है, लगना चाहिए, एसी का आप फायदा उठा रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हमारे सब घर के परिवार में सभी जगह होता है एसी लगा होता है और एसी चल रहा है 18 पर 19 पर, कम्बल ओढ़ करके हम सो रहे हैं, इसका कभी हमने सोचा है क्या? हमारा बालक घर में सोता है, कम्बल ओढ़ के सोता है, एसी को 18 और 19 पर चलाता है, कभी हमने ये छोटी सी बातें महसूस की है क्या? उससे निकलने वाली वो गर्म हवा क्या वो प्रदूषण नहीं करती है? क्या एसी को हमें 23 या 24 पर चलाने से हमारा काम नहीं चलता है? ऑफिस में हम जाते हैं, कई ऑफिस देखते हैं, हम घुसते हैं एकदम देखते हैं क्या शरीर का पूरा वातावरण ऐसा लगता है कि ये इसमें घुसते ही क्या हो गया, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर आप 23-24 पर एसी चला करके काम करेंगे तो क्या काम ठीक नहीं होगा? 18 पर चला कर, वो भी एक नहीं, दो दो तीन तीन, कभी मैं देखता हूं उस कमरे की कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, उसमें एसी कितना लगना चाहिए, लेकिन नहीं, ठंडा चाहिए, उसमें 2 से अधिक 3-4 एसी लग रहे हैं और उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उससे हमारा शरीर खराब हो रहा है, हमारे शरीर में कितना उसका नुकसान हो रहा है, यह हम अनुमान नहीं लगा सकते। ये छोटी छोटी बातें होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि नदी और पहाड़ों की हम पूजा इसलिए करते हैं कि वो हमें संरक्षण दें, हमारा फल हमको क्या नहीं, हमारी धरती माँ क्या नहीं देती, हर वृक्ष हमें क्या नहीं देता। हम बचपन में देखते थे कि हमारे एक गुरुजी थे, वो रास्ते में जाते थे और वो अपनी साइकिल से उतरते थे और जो ऊपर देखते थे पेड़ पर इसको कौन काट रहा है, उसमें 4 डांट लगाते थे और उसके घर वालों के साथ शिकायत करते थे, तुम्हारा बेटा उस पेड़ को काट रहा है, छोटा पेड़ है और उसको नहीं काटना चाहिए। क्या हम किसी को, अगर कोई प्रदूषण किसी तरह का कर रहा है तो क्या हम उसको टोकने का काम करते हैं? कई जगह कई संस्थाओं ने अच्छा काम किया है, तो मैरिज गार्डन में जाती है, वो लिखती हैं प्लेट में जितना खाएं उतना लें। ये देखने में आपको बहुत छोटा लगता होगा, वहां अगर मैरिज गार्डन में लिखा हुआ है तो उस शादी वाले से कहते हैं ये लगा, वो कहता है भैया इसको हटा लो, ठीक नहीं लगेगा। अरे ठीक क्यों नहीं लगेगा, उसमें कुछ ये तो कहा नहीं है कि आप प्लेट मत लीजिए, खाना नहीं खाइए, उसमें लिखा है आप जितना खाएं उतना लें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसी संस्थाओं को, वो जो इस तरह का प्रचार प्रसार करके समाज में एक अच्छा काम करने का काम करते हैं, क्योंकि वो कहां जाता है, कहते हैं ना कहीं घी घना कहीं मुट्ठी चना। अरे भाई आपको मिल रहा है तो उस पर अहंकार मत करिए,
आपको मिल रहा है उस पर दुरुपयोग मत करिए, उसकी तरफ देखिए जो उसके लिए कितना परेशान हो रहा है। अगर आपके द्वारा बचाया हुआ अन्न कहीं ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिसको उस अन्न की आवश्यकता है, तो हो सकता है कि आपके मन में भी उसकी जो दुआ है वो आपको आ जाए। ये स्वच्छ वायु का मतलब हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, यह प्रकृति के अंदर इस तरह से जुड़ा हुआ है कि हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा है। क्योंकि जब आपके पिताजी को अस्थमा होता है तो आपको बड़ा बुरा लगता है, क्या करें साहब, पिताजी को अस्थमा हो रहा है, पिताजी की बहुत बड़ी दिक्कत है साहब, हॉस्पिटल में इतनी दवाइयां जाती हैं। लेकिन जब दूसरे को हो रहा है तो आपको चिंता हो रही है क्या कि वो किस कारण हो रहा है? क्या कोई जिसके वायु प्रदूषण के कारण अस्थमा हो रहा है, क्या वो हमारा भाई नहीं है, हमारा बुजुर्ग नहीं है, हमारा ताऊ नहीं है, हमारा चाचा नहीं है? लेकिन क्यों? कि वो उसकी हमें चिंता नहीं है। हमारा कितना वायु प्रदूषण हो रहा है ये भी हमें देखना है। छोटी छोटी बातों को लिए अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम होगा। क्योंकि हम देखते हैं व्यक्ति जब मकान बनाता है तो उसमें अच्छा पैसा लगाता है, कोई जितना उसकी हैसियत है उस हिसाब से अच्छा ही सोचता है बनाने की। कोई 50 लाख का बनाता है, कोई 25 लाख का, कोई करोड़ का, कोई 2 करोड़ का, कोई 3 करोड़ का। लेकिन सामने वाली सड़क किसकी है, कभी हम विचार करते हैं क्या? मकान में तो मकान के अंदर घुसते ही मकान का वातावरण कुछ और होता है, लेकिन वो सड़क किसकी है? क्योंकि घर में से निकलने वाला सारा कचरा, सारा गंदा पानी उस सड़क के ऊपर आता है। सड़क खराब हो गई साहब, किसने कीमा? कोई दूसरा तो आया नहीं, दूसरे की तो पड़ोसी जो भी आता है कोई, तो पड़ोसी की गाड़ी, कोई रिश्तेदार आता है उसकी खड़ी होती है, उसमें भी अरे ये गाड़ी खड़ी कर गए हमारे घर के आगे, ये गाड़ी दूसरे की तो गाड़ी खड़ी नहीं होने देते। आपकी सड़क खराब हो गई तो खराब किसने की? क्योंकि वो सड़क और डामर का दोनों का मेल नहीं है, दोनों में बह रहा है, इसलिए आपने पानी डाल दिया, रास्ते चलते वाले ने सड़क को उखाड़ दिया। लेकिन गलती इसमें किसकी है, पानी किसने भरा? क्योंकि वो गंदा पानी जो घर का था, घर का गंदा कचरा था, वो हमने सड़क पर डाला, इसलिए हमारी सड़क खराब हो गई। मैं छोटी छोटी बातें हैं आजकल देखते हैं, पहले नल चलते हैं, नल चल रहा है, वाश बेसन में खुला रखा है और हमारी बुर्स में लगा करके और आराम से हम कर रहे हैं, बुर्स कर रहे हैं और नल हमारा खुला है, सेविंग कर रहे हैं तो हमारा पानी, हमारा नल खुला हुआ है। ये छोटी छोटी बातें, अगर कोई फोन आ गया किसी का बाथरूम में तो नल चल रहा है, फोन पर बात हो रही है और उनको यही नहीं पता है कि नल चला गया। अरे भाई, जिस तरह से आपको पानी मिल रहा है ये किसी दूसरे भाई को भी मिलना चाहिए। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आज इस अवसर पर हमें छोटी छोटी बातों को समझना होगा। छोटी छोटी बातें हैं, मेरे घर में एक गाड़ी है तो मुझे यह प्रण लेना चाहिए कि मुझे हर साल 10, 15, 20 पेड़ लगाने चाहिए, उनको सुनिश्चित करना चाहिए। कोई कहता है ऐसा मेरे पास लगाने के लिए जगह नहीं है, अरे कहीं भी चले जाइए, किसी रोड के किनारे चले जाइए, आप जाकर के किसी विद्यालय में, किसी औषधालय में, किसी जगह आप जाएंगे जहां आपको कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी, आप उनमें कहिए पेड़ मैं लगाऊंगा, उसके ट्री गार्ड बना करके दीजिए, वो लोग भी आपको याद करेंगे, वो लोग आपको 10 जगह बोलेंगे कि फलाने व्यक्ति आए थे मेरे यहां, उन्होंने 10 पेड़ लगाए हैं, वो ट्री गार्ड भी लगा के गए, पेड़ भी लगा के गए, उस बहाने से आपका जाना भी होगा। 1 महीने 2 महीने 3 महीने में जाइए, उस वृक्ष को देखिए और जिस दिन वो वृक्ष फल देगा या छाया देगा वो कितने लोगों का आसरा बनेगा, ये आप स्वयं समझते हैं। क्योंकि हमेशा हमारे वृक्ष हमको कुछ ना कुछ देते हैं, लेते नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 सितंबर को नीले अंबर के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है, उसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहन देना, यही हमारा काम है। दुनिया भर में स्वच्छ वायु दिवस, स्वच्छ हवा अच्छी सेहत
उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस बार का 5वां स्वच्छ वायु दिवस स्वच्छ हवा में अभी निवेश करें की थीम पर केंद्रित है। ये थीम बताती है कि हमें वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए तत्काल साझा प्रयास करने की आवश्यकता है। हम सभी मिलकर के ऐसा प्रयास करें कि जो हमारा वायु एकदम स्वच्छ रहे। प्रदेश में दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित करने के लिए सभी विकास योजनाओं को ग्रीन ग्रोथ के सिद्धांत तथा पर्यावरण संरक्षण के आगामी वर्ष राज्य में ग्रीन बजट पेश करेंगे। इसके तहत जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करने, मरुस्थलीकरण एवं भूमि संरक्षण के रोकने तथा तापमान में बढ़ोतरी पर नियंत्रण करने के लिए प्रयास भी हमें करने चाहिए। राजस्थान की अगर हम बात करें तो हमारी भौगोलिक स्थिति जलवायु अन्य राज्यों की तुलना में अलग है। हमारे पश्चिमी राजस्थान में मरुभूमि होने के कारण धूल के कणों की मात्रा यहाँ के वातावरण में अन्य स्थानों की तुलना में अधिक रहती है, लेकिन राज्य में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तरीय कार्य योजना की गई है। ये चिन्हित 5 शहरों के लिए शहरी कार्य योजना की भी हमने तैयारी की है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इस योजना के तहत 5 शहरों में प्रदूषण के स्रोतों को अध्ययन करवाया गया, जिसमें सड़क की धूल और वाहन के निकलने वाले धुएं को प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है। और ये जो प्रदूषण होता है, ये विशेष करके जो गाड़ियों का होता है, उसके लिए हमने प्रयास किया है कि हम आने वाले समय में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा 46 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इनसे प्राप्त डेटा को आमजन की जागरूकता हेतु सार्वजनिक स्थानों पर डिस्प्ले भी किया जाएगा। इसके अलावा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल 2 मोबाइल वैन के माध्यम से भी वायु गुणवत्ता का लगातार मापन कर रहा है। उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण की सतत निगरानी रखने हेतु 600 से अधिक उद्योगों में ऑनलाइन सतत प्रदूषण निगरानी प्रणाली भी स्थापित की गई है, जिनसे प्रदूषण संबंधी पैरामीटर्स की जांच राज्य मंडल में स्थापित निगरानी केंद्र रियल टाइम बेसिस की जा रही है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की कुल 13 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं, जिनमें से 5 प्रयोगशाला का आधुनिकरण किया गया है तथा इनको NABL से प्रमाणित भी कराया जा चुका है। उद्यमियों की सुविधा प्रदान करने के लिए हम राज्य में 2 नए क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर और जोधपुर और 11 नई प्रयोगशालाएं भी हम स्थापित कर रहे हैं। राज्य में वायु गुणवत्ता पर पर्यवेक्षण के लिए जयपुर में वेदर एंड पॉल्यूशन फोरकास्टिंग सिस्टम प्रारंभ किया जा चुका है, जिसके अर्ली मॉर्निंग सिस्टम से वायु की गुणवत्ता के बारे में लगातार जानकारी मिल रही है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा अर्ली वार्निंग सिस्टम को अन्य शहरों में भी लागू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। फोरकास्टिंग सिस्टम प्रारंभ किया जा चुका है, जिसके अर्ली मॉर्निंग सिस्टम से वायु की गुणवत्ता के बारे में लगातार जानकारी मिल रही है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा अर्ली वार्निंग सिस्टम को अन्य शहरों में भी लागू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदूषण मुक्त राजस्थान की संकल्पना हेतु बड़े शहरों में हमने 1000 इलेक्ट्रिक बसें शीघ्र ही संचालित की जाएंगी। हम इलेक्ट्रिक बसें 1000 हमारे प्रमुख शहरों में संचालित कर रहे हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से राज्य में 50 पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक बोतल फ्लैगिंग मशीनें लगाई जाएंगी, जो प्रदूषण एवं प्लास्टिक मुक्त राज्य की संकल्पना को साकार करेंगे। वर्तमान में प्लास्टिक कचरा विश्व स्तर पर गंभीर चिंता का विषय बन गया है। वातावरण में फैला प्लास्टिक कचरा अनेक समस्या उत्पन्न कर रहा है। प्लास्टिक का कचरा हवा से दूर दूर तक फैलता है एवं मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को भी कम करता है, जल निकासी तंत्र को भी यह अवरुद्ध करने का काम करता है।
एक मोटे अनुमान के मुताबिक नगरीय ठोस अवशिष्ट में 13 से 15% प्लास्टिक वेस्ट होता है। भारत सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, अतः हमें उनको उपयोग में नहीं लेना है। इसी तरह से हमारे घरों से निकलने वाले कचरे का उचित निस्तारण होना जरूरी है। इसके लिए हमें घरों के स्तर पर ही गीले एवं सूखे कचरे को अलग करने के साथ साथ दोबारा से काम आने वाली वस्तुओं को अलग करने की आदत भी हमें अपनानी होगी, क्योंकि अगर हमारी आदत में होगा तो उससे बहुत बड़ा काम हमारा हो जाएगा। हमें यह भी समझना होगी कचरे को खुले में जलाने से, ये छोटी छोटी बातें, कचरे को खुले में जलाने से आसपास के वायु प्रदूषण होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। हमें अपने दैनिक जीवन में स्वच्छ वायु के लिए काम करना होगा, जैसे कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, इलेक्ट्रिक वाहन चलाना। हम कभी कभी क्या कहते हैं, कई लोग मेरे से प्रश्न करते हैं जब बड़े शहरों में जाते हैं कि भाई साहब गाड़ी बड़ी है और व्यक्ति एक ही है, सीट कई है उसमें और एक ही व्यक्ति बैठ करके जाता है। देखो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे दिल्ली के अंदर जो बड़े शहर हैं उनसे मेट्रो के चलने से बहुत बड़ा काम हमारा हुआ है। जहां हमारी इतनी गाड़ियां जाती हैं कभी कभी मैं देखता हूं, लेकिन वो आर्थिक विषय को लेकर के जाते हैं, क्योंकि गांव से जो दूर जाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ऐसे सरकारी कर्मचारी होते हैं वो एक ही रूट पर जाते हैं। लेकिन इन दिनों एक परिवर्तन आया है और वो परिवर्तन ये आया है कि पहले अगर वो बाइक से जाते थे तो अपनी अलग अलग बाइक लेकर के जाते थे, अब गाड़ी से जाने लग गए तो वो अलग अलग गाड़ी से जाते थे। लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि उनमें आपस में बातचीत हो गई, अगर गाड़ी हमारी 5 सीटर है 6 सीटर है तो उनमें वो समझौता करने लग गए कि आज मेरी गाड़ी जाएगी कल 5ों को लेकर के मैं जाऊंगा, अगले दिन दूसरे वाले की गाड़ी जाएगी। इस तरह से उन्होंने दिन बांट लिए, दिन उन्होंने बांटे अर्थ के हिसाब से, लेकिन वो वायु प्रदूषण में भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये भी हमें देखना है। कभी कभी होता है उसी बिल्डिंग में से और आगे की बिल्डिंग में सर्विस के लिए जा रहे हैं, 10 लोग निकल रहे हैं लेकिन 10ों गाड़ी उनकी अलग अलग जा रही है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एक गाड़ी से जाएं, क्योंकि 10 गाड़ी जाएंगी तो उनसे प्रदूषण भी होगा, जाम भी लगेगा। तो छोटी छोटी बातें जिनको हमें सोचना चाहिए। और अभी इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं, हमने हमारे बजट में भी लिया है, और हम जयपुर हमारी राजधानी से दिल्ली के लिए, जोधपुर के लिए, उदयपुर के लिए, कोटा के लिए, ऐसे जो हमारे बड़े शहर हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने का हमारा कार्यक्रम है आने वाले समय में, जिससे कि प्रदूषण नहीं हो, ये भी हम काम करने वाले हैं। आइए हम सब स्वच्छ वायु और नीले अमर के लिए एक साथ काम करें, अपने वर्तमान एवं भविष्य को सुरक्षित तथा जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें आवश्यक कदम उठाने की अति आवश्यकता है। हम सब प्रतिज्ञा लें कि आज से हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते कर्तव्य निभाएंगे और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम साकार प्रयास भी करेंगे और हम स्वच्छता में भागीदारी निभाएंगे। मैं अंत में आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं और माननीय हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र जी भाई साहब जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम आपने जयपुर में रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि ये कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम जयपुर के अंदर हुआ है। निश्चित रूप से हमारा ये 7 सितंबर जो हमने स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आगे देश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर और समाज के अंदर एक स्वच्छ वातावरण पैदा करते हुए हमें स्वच्छता की ओर ले जाएगा। और हमारा, जैसा मैंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण करना हम सबका काम है, क्योंकि प्रकृति हमें सब कुछ देती है और इस प्रकृति के भंडार में सब कुछ है, क्या नहीं देती इस पर हमें विचार करना चाहिए। और इस प्रकृति को हम क्या देते हैं, धरती माँ हमें देती सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इतना ही कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।
है, पूरा जो समाज है उस पर खरा उतरेगा। और देखिए संबोधन आपने सुना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जयपुर के जेईसीसी में विशाल समारोह की तस्वीर। सुबह 9 बजे शुरू हुई थी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एपेक्स कमेटी की बैठक, जिसके बाद इंतजार किया जा रहा था राजस्थान के मुखिया का।